बिग बॉस के सीज़न 16 में भाई इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा यानी कि प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता की केमिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा लाइमलाइट बना रही है। अंकित गुप्ता का इक्वेशन हो गया है और अंकित गुप्ता बिग बॉस से आउट हो गए हैं, लेकिन इसी बीच प्रियंका एक बार एक्सपोज हो गई है। चलिए आज के इस वीडियो में आपको भी बताते हैं कि आखिर वो प्रियंका जो सुम्बुल को ये कह रही थी कि सुम्बुल बार बार रोकर इमोशनल लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं, लोगों का दिल जीतती हैं, आखिर वही प्रियंका कैसे एक बार फिर सुम्बुल के फैंस के निशाने पे आ गई हैं। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों आपको याद ही होगा बीते कुछ दिन पहले सुम्बुल तौकीर खां को प्रियंका चहर चौधरी ने एक टोंट मारा था और उन्होंने ये कहा था कि सुम्बुल को तो सिर्फ और सिर्फ रोना आता है, कुछ भी हो जाए वो बस रोती है, रोने के बाद वो लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। हालाँकि मैं आपको ये बता दूं, लोग जो है इस मामले में सुम्बुल के एक तरफा सपोर्ट में आ गए थे। प्रियंका को लोगों ने लताड़ दिया था, प्रियंका को डांट फटकार भी लगा दिया था। वो लोग भी जो प्रियंका के फैन हैं वो भी इस पक्ष पे सुम्बुल का सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, क्योंकि सुम्बुल घर में बहुत ज्यादा रियल दिख रही है, वो फेक नहीं है, सुम्बुल के आंसू फेक नहीं है। और प्रियंका चहर चौधरी यहां पर एक बार फिर एक्सपोज कैसे हो गई है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल सुम्बुल के कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि प्रियंका चहर चौधरी को अब ये बात पता चलेगी कि सुम्बुल ने कितने ज्यादा स्ट्रांगली अपने आप को संभाल के रखा था। जब सुम्बुल तौकीर खां के नाम को खराब किया जा रहा था, सुम्बुल के पिताजी के नाम को उछाला जा रहा था, तब सुम्बुल के साथ बिग बॉस के घर में कोई नहीं था और वो महज एक 19 साल की लड़की किस तरीके से अपने आप को संभाल के रखती है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि सुम्बुल ने ना ही घर में किसी का सपोर्ट लिया था। प्रियंका के पास अब तक अंकित का सपोर्ट था, प्रियंका के पास अंकित का कंधा था रोने के लिए, लेकिन सुम्बुल के पास किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। सुम्बुल ने सबसे डांट फटकार सुना है, बावजूद उसके सुम्बुल तौकीर खां आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सुम्बुल को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही आगे बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा अब जो निशाने पे आई हैं प्रियंका चहर चौधरी, आपने देखा होगा नए प्रोमो में कितना ज्यादा रोते बिलखते नजर आ रही हैं। प्रियंका अपने आप के इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब अंकित गुप्ता का इक्वेशन उनको बहुत ज्यादा अताहत कर गया है। हालांकि प्रियंका चहर चौधरी के इमोशन को भी समझा जा सकता है, अंकित उनके बेस्ट फ्रेंड थे, अंकित ने अब तक 85 डेज निकाला है प्रियंका के साथ, तो प्रियंका को भी जाहिर सी बात है बहुत बुरा लग रहा होगा। लेकिन प्रियंका को ये चीज़ें अब शायद समझ में आ गई होगी कि सुम्बुल तौकीर खां को किस तरीके से प्रवोक किया जा रहा था। क्या लगता है आपको, क्या वाकई आप भी ये बात मानते हो, क्या आप हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हो? तो इस वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या वाकई कर्मा ने टिट फॉर टैट किया है? प्रियंका, वो प्रियंका जो सुम्बुल को टारगेट कर रही थी, आज वो खुद ब खुद रोती हुई नज़र आ रही है। बताइएगा ज़रूर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।